सबसे पहले तो दुख्तलम भूटान, ये बड़ा अच्छा लगता है कि शहर की तो बेटी शहर में आए, तो ये उसे पूछे जिनकी बेटी में बात करें मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं अनवर जवाहर साहब के रज़ा जी, आपने लिखा था ना कि जब से रेल चली है लोगों ने अपनी बेटियों को दूर ब्याहना शुरू कर दिया है, तो उनसे पूछें जिनकी बेटियां दूर ब्याही हुई हैं, जब बेटी घर आती है तो घर कैसा लगता है? तो आज जो ये घर सजा हुआ है ये सब बेटी के लिए आए हैं, लगता है आप के लिए सबसे पहले तो ये कि हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, आप आती जाती रहती हैं और माजी करीब में जिन सदमात को आपने देखा भी है और सहा भी है उसमें हम आपके बराबर के शरीक थे, लेकिन आपकी जो कामयाबियाँ और कामरानियाँ हैं उसमें हम ज़्यादा खुश होते हैं। आप जिस जगह बड़ा मुशायरा हो रहा हो और मुल्तान का कोई शायर ना हो तो हम समझते हैं कि आप मुल्तानी शायरा वहाँ मौजूद है, सबकी नुमाइंदगी कर रही है, तो ये एक तो पहली बात है। दूसरी बात है कि राष्ट्र के असलूब की बात अभी साइमा अली ने की है। साइमा आपने पहला खत लिखा है ना, तो लोगों ने तवज्जो से सुना, इनमें से किसी एक लड़के के नाम लिखते फिर देखते हैं कैसा लड़की का लड़की के नाम खत लिखना जो है ना तो साइमा ने जिस तरीके से आपकी शायरी का इंतखाब यहाँ पेश किया, अच्छा वो सारे शेर जुबान ज़दे आम हैं, ये बड़ी बात है कि एक ऐसा दौर जब माजी में लोग प्रवीण शाकिर को पढ़ा करते थे, उससे पहले हम जाएँ तो अदा जाफरी की बात होती थी, उससे पहले फिर उसके साथ ही फिर फहमीदा रियाज, प्रवीण शाकिर के बाद नौशी किलानी। इसी बैठक में इसी जगह पर जहाँ आप बैठी हैं, अनवर जमाल साहब भी थे, कमल भी थे, जवाना बाजी भी थी, सजाद भाई, कि जब नौशी आई है तो हाल ऐसे ही भरा हुआ था, तो ये मैं समझता हूँ कि मुल्तान वालों की एक एक्नॉलेजमेंट है। तब कमर ने जी कहा था कि ये बेटी, इस शहर की बेटी आई है तो इस सारे बेटी को खुश आमदीद कहने के लिए आए। आज जब हम आपकी शायरी की बात करते हैं, आपकी कामयाबियों को देखते हैं दरस व तदरीस के हवाले से, सारी कामयाबी अपनी जगह, मुझे तो अच्छा ये लगता है कि राष्ट्र महानी का ताल्लुक मुल्तान से है। और आपकी शायरी की सनत के बारे में मैं क्या कहूँ, जब आपके पेज पर हज़ारों लोग आपको लाइक्स कर रहे होते हैं, सैकड़ों कमेंट्स कर रहे होते हैं, सैकड़ों सिग्नाज जब शेयर्स कर रहे हों, वो अपनी जगह पर जब स्टेज पर कमर अदा शहजाद अनवर जमाल सब मौजूद हों, इससे बड़ी सनत और क्या हो सकती है। मैं आपका पंजाब आर्ट्स कौंसल मुल्तान और मुल्तान मजलिस अदब की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ।